आज के इस वीडियो में हम 5 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, R.S. शर्मा। आयुष्मान भारत योजना का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी R.S. शर्मा को नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, SpaceX। SpaceX अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलोन मस्क के नेतृत्व में SpaceX ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और इस मिशन में आम नागरिक भी हिस्सा ले सकेंगे। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है और यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। SpaceX के बारे में जानकारी, SpaceX अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। SpaceX की स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। SpaceX के अध्यक्ष गाविनी शॉर्टवेल हैं। SpaceX के संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं। अन्य देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम JAXA, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है NASA, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है SpaceX, अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है KARI, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है ISRO, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना वायरस COVID-19 के बारे में जानकारी। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को COVID-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिनों में COVID-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कोविड मरीजों की संख्या 0 होने से के साथ ही देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1 नवम्बर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल DK जोशी है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपस में अलग अलग करते हैं। भारत का एकमात्र शांत ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदला गया है। रॉस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जाना जाएगा। नील द्वीप को अब शहीद द्वीप से नाम से जाना जाएगा। हेवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेजोन के नए CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, Andy Jassy। जेफ बेजोस के इस्तीफे के बाद अब अमेजोन के नए CEO एंडी जेसी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेफ बेजोस के इस्तीफे देने के बाद अब एंडी जेसी को अमेजोन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेजोन
ने ऐलान किया है कि जेफ बेजोस को अपनी बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अमेजोन के बारे में जानकारी, अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजोन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। अमेजोन का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। अमेजोन के अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं। अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुयेन फू ट्रोंग। वियतनाम देश के फिर से राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रोंग बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वियतनाम देश के बारे में जानकारी, वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआ फुक हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन फू ट्रोंग हैं। अन्य 5 देशों के राष्ट्रपति, फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। मॉरिशस के नए राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपेन बने हैं। ट्यूनेशिया के नए राष्ट्रपति काई सैयद बने हैं। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मदुरो बने हैं। ब्राजील के नए राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। सबसे तेज 40 लाख लोगों को कोरोना का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और 1 फरवरी को भारत कोरोना टीकाकरण के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया था। भारत में तेजी के टीकाकरण अभियान जारी है और इसी के साथ भारत सबसे तेज के साथ 40 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत ने यह उपलब्धि महज 18 दिन में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मृति ईरानी। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअली पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और इस मेले को भारत का सबसे बड़ा रेशम का मेला माना जा रहा है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की सभी 4 प्रकार की किस्मों, शहतूत, एरी, तसर और मुगा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने 4 फरवरी 2021 को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जिसके 6 महीने बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था और इस दिन को श्रीलंका में ध्वजारोहण समारोह, नृत्य परेड और प्रदर्शन के माध्यम से मनाया जाता है। आमतौर पर यह मुख्य उत्सव कोलंबो में होता है। यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रीय रूप से प्रसारित भाषण देते हैं। श्रीलंका के बारे में जानकारी, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इसकी करेंसी रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका और इंडिया को पाक स्ट्रेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5। बजट 2021 के अनुसार भारत में 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केंद्रीय बजट एक वर्षीय वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को रेखांकित करने के लिए आय और विवरण
व्यय का आकलन पेश किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई घोषणा में कहा कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए अगले 3 सालों में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। भारत के पहले पार्क, देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। भारत का पहला स्कावी पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में बनेगा। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत के सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु शहर में हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, 13वें एयरो इंडिया 2021 आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में हुआ है। 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। कर्नाटक के येलहंगा स्थित एयरपोर्ट स्टेशन पर 13वें एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किया है। इस शो में DRDO ने अपना 300 उत्पाद व तकनीक दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी की है। इसमें देश की पहली स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय भी शामिल होगी, जिसमें बेहद घातक मानी जाने वाली अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। एयरो इंडिया 2021 की टैगलाइन आ रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। एयरो इंडिया 2021 की थीम आत्मनिर्भर है। फरवरी मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से, तो उन सबको आप देख लीजिए। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिन मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें, तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।